हाय, मेरा नाम आदि है और मैं फिल्मी मंत्रा से हूँ। पहली बात तो अरमान, आपकी वाइफ के साथ कोई हादसा नहीं हुआ है? मैं बात करूँगा नेजी की। आप मुझे अभी भी नींद में लग रहे हैं, सोते सोते आप यहाँ तक पहुँच गए हैं और आपने कहा कि मैं दूध पीता बच्चा नहीं हूँ, लेकिन आप चाय पीते बड़े ज़रूर हैं, क्योंकि जो चाय देता है आप उसकी पार्टी में चले जाते हैं। सवाल वही कि क्या कर रहे हैं आप अभी तक, मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूँ। आप ना बातें कहते हैं, हाँ हाँ करके पूरा दिन निकाल देते हैं, फिर हमें पता चलता है कि आप सो चुके हैं। तो क्या प्लान है आपका? आप फिनाले के बिल्कुल करीब हैं। ज़्यादा फ्री हो रहा है भाई। ज़्यादा फ्री हो रहा है। मैं बिल्कुल फ्री नहीं हूँ। कौन सवाल है भाई? आराम से ना भाई, आराम से पूछना सवाल। सोता है 10 बार तो यही बोले सो रहा है भाई। रात के टाइम पे अपन जल्दी सो जाते, समझ में आया? और जिसके साथ बात करने का रहता है करते, जब पॉइंट उठाने का रहता है पॉइंट उठाते, जितना बोलना चाहिए उतना ही बोलते, ज्यादा बचपच नहीं करते रहते, समझ रहे? दिन भर बातें नहीं करता हूँ, ज्यादा बातें नहीं करता हूँ। जो बातें हाँ हाँ बोलने का रहता है उधर हाँ बोलता हूँ, जिधर लगता है कुछ और बोलने का कुछ और बोलता हूँ। जब नींद आती है तो सो जाता हूँ, जब जागने का रहता है तो उठ जाता हूँ। और क्या चाहिए देखो भाई, मेरा पीछा छोड़ दे भाई, कुछ भी बोल रहा है तू। लेकिन ये जस्टिफाइड लगता है आपको कि आपका गेम में इन्वॉल्वमेंट रहा है? हाँ, मेरे को तो लगता है रहा है, थोड़ा कम है लेकिन काफी है। कम है लेकिन आपको लगता है? हाँ, कम है लेकिन काफी है। ठीक है, प्यार में कितना इन्वॉल्वमेंट है आपका सना मकबूल के साथ? क्या कुछ भी क्या बोल रहा है, बिल्कुल नहीं। There's no feeling. I want प्यार में सबसे करता हूँ भाई। ठीक है, सब कंटेस्टेंट के साथ मैं प्यार करता हूँ। और तू ज्यादा फ्री मत हो, समझा ना? आप मुझे धमकी ऐसे नहीं दे सकते। धमकी नहीं दे सकते, तू क्या बोल रहा है मेरे को? ऐसे बात नहीं, क्या मेरे को बोल रहा है? प्यार है। आपको जवाब नहीं देना, मना कर दीजिए। मैं सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ, एक दोस्ती है और इस दोस्ती का जो हम बाहर देखते हैं हमें समझ में आता है, फ्रेंडशिप के बाद प्यार की एक बात आती है। सवाल बड़ा सिंपल है कि हाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है या फिर नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। हाँ तो फिर तमीज से आप जवाब दीजिए। हाँ, तमीज से तू तमीज से सवाल पूछेगा तो तमीज से जवाब। थैंक यू। तमीज से सवाल पूछ भाई। भाई मैं नेजी को पिछले 30-35 डेज से जानता हूँ, तो नेजी बहुत जेन्युइन बंदा है और उसके दिल में ऐसी कोई फीलिंग नहीं है, वो बस एग्जैक्टली It's fine. You can talk. Hi guys, this is Kinnari Singh from Filmy Beat. Congratulations to all of you. मेरा सवाल नेजी आपसे है, potential winner, you know, आपका नाम काफ़ी बार आ रहा है that you do have the potential to win the show. लेकिन साथ ही साथ ये भी notion आ रहा है कि you have certain feelings for सना मकबूल and कहीं ना कहीं आप उनके सामने बोल नहीं पाते, कुछ point अगर आपको बोलना रहता है आप नहीं बोल पाते, and that is affecting your game. And let me tell you, even the evicted contestant, few of them also feel the same thing. So is it true? Do you have certain feelings for her? And if yes, कहीं ना कहीं वो आपके game पे affect हो रही है, आप नहीं बोल पाते उनके सामने? नहीं, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ है। मेरे जो feelings है, आपके मन में लड्डू फूट रहे हैं। भमाई वाला अलग feeling है भाई, तुम लोग सबको पता है भमाई क्या रहता है, समझ? भमाई मतलब loving friend, बस वहीं तक। और मुझे लगता है कि वो इफेक्ट नहीं कर रहा है मुझे, और ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं उनको बोला नहीं हूँ या नहीं बोल पा रहा हूँ। मेरे को जो बोलना है मैंने बिंदास उनको बोला है, मैंने अपने बारे में भी बताया उनको, और कुछ बातें ऐसी है जो मैं बाहर जाके बोलने वाला हूँ उनको, जो मैं यहाँ नहीं बोल सकता। Not like that. But ये मुझे लेटर जरूर लिखता है। हाँ, मैं हर हफ्ते लेटर लिखता हूँ। लेटर लिखते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरा गेम तो इफेक्ट नहीं हो रहा है उससे। हालांकि मुझ पे इल्जामात लगते हैं कि मैं इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ या मेरे कान भरे जा रहे हैं, तो मैं उसके खिलाफ स्टैंड लेना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और मैं होशमंद हूँ, दूध पीता बच्चा नहीं हूँ, मुझे सब समझ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो मुझे तो नहीं लगता उससे मेरा गेम इफेक्ट हो रहा है। Sana, do you want to say anything about Nezi's feeling? Have you ever felt the same? See, Nezi is that friend for me, जिससे ना मैं थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू लेती हूँ। कभी मुझे ऐसा लगता है, कुछ लगता है ना, तो आई थिंक मैं इससे बात करना पसंद करती हूँ कि नेजी तू बता मुझे क्यों लोग नहीं समझ पा रहे, मैं कहाँ गलत गई। तो आई थिंक वो एक बंदा आपकी लाइफ में होना चाहिए, तो आई थिंक इस घर में वो मेरे लिए वो है, जहाँ मैं उससे जाके पूछती हूँ कि नेजी तू बता कि मैं गलत हूँ, तो ये मुझे अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देता है और लेजिट ये मुझे ओपिनियन देता है कि तू ऐसी लग रही है, तू लालची लग रही है, तू ये लग रही है, और मुझे बुरा भी नहीं लगता, और फिर नेक्स्ट डे वो लेटर में लिखता भी है। सो आई थिंक आई एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम हिम एंड आई वांट दैट फ्रेंड, यू नो, इस घर में वो एक फ्रेंड होना चाहिए जो आपको आपकी गलती बताए, एंड आई थिंक ही इज दैट फ्रॉम।
मैं ढूंढता हूँ कोई क्रिएचर आ जाए मुझे बचा ले इस घर से. डेजी बेसिकली रैपिंग करता है, वो अपने लिरिक्स बनाते रहता है बार बार. जिस दिन डिबेट चल रही थी उस दिन साफ साफ कहा गया था कि जिसको अपने अपने फेवरेट ग्रुप में बैठना है वो बैठ जाए. आप उधर के ग्रुप में बैठे जहाँ पे ऑलरेडी आप तीन लोगों को ज्यादा पसंद नहीं करते, सिर्फ आप सना को पसंद करते हैं. तो लव विशाल और शिवानी से आपकी ज्यादा पट्टी नहीं. इधर के ग्रुप में रणवीर आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, साई आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं और अरमान भी आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं. तो आपने तीन वर्सेस एक को क्यों चुना? और मैं आप तीनों से भी उनके दोस्ती के बारे में थोड़ा जानना चाहूंगी. तो निजी प्लीज. मुझे लगता है कि जैसे आप बोल रही है कि तीन मेरे दोस्त नहीं थे, वैसा नहीं है कि मतलब शिवानी और लव अगर नहीं है तो विशाल और मकबूल मेरे दोस्त थे. क्या वो रणवीर और साई और रणवीर भाई तो हेड ऑफ द हाउस थे. रणवीर भाई उस तरफ थे ही नहीं, उस तरफ थे अरमान, साई और कृतिका भाभी. तो मेरा अरमान और कृतिका भाभी के साथ उतना खास कुछ है नहीं, साई के साथ है. और मुझे ऐसा लगा कि मैं अगर वो ग्रुप में जाता हूँ तो मुझे उतना फ्रीली मेरे मूड स्विंग्स के हिसाब से समझ लो मेरे को वाइब करने नहीं मिलेगा, मेरा वाइब मैच नहीं होगा. शायद कृतिका भाभी और अरमान भाई से मेरा वाइब मैच नहीं होता है, इस वजह से मैं एक ग्रुप में बैठा. अगर वाइब मैच नहीं होता तो आप बार बार जाते हैं अरमान से गलती करने के बाद, आप उनसे सॉर्ट आउट करते हैं, सॉरी बोलते हैं, क्योंकि जाते हैं. साथ बैठने की बात अलग है और एक कनेक्शन की बात अलग है. अरमान भाई के साथ मेरा कनेक्शन बहुत अच्छा है, हम लोग भाई जैसा है, वो बड़े भाई जैसा है. मेरे को खाने पीने को देते, मेरी परवाह करते, गलत रहता हूँ तो मेरे को टोकते, मेरे बारे में फिक्र करते. अरमान भाई का वो जेन्युइन है और भाभी भी मेरा ख्याल रखते. तो इसका मतलब ये नहीं कि हम दिन भर साथ बैठे, हम लोग साथ नहीं भी बैठते तो भी हम लोग का कनेक्शन बहुत अच्छा है. और उस कनेक्शन के वजह से मैं बार बार अरमान भाई के पास जाता हूँ, बात करता हूँ और सॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ. तो साई, आप और अरमान क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो कहना चाहूंगा कि नेजी एज अ पर्सन बहुत जेन्युइन है एंड वो चाहता है कि सबके साथ अच्छा बने रहे. वो ही इज अ वेरी वेरी काम पर्सनैलिटी एंड मुझे लगता है कि नेजी काफी जेन्युइन मुझे पहले दिन से लगता था. मुझे क्या था ना कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, नेचर अच्छा लगता है, शांत रहता है ये चीज़ों को लेके. और बीच में जैसे क्या हुआ ना कि मेरी थोड़ी सी कहा सुनी हो गई थी हेड ऑफ द हाउस के टाइम, एक हमारी कहा सुनी हो गई थी. उसके बाद मैंने सोचा कि यार ये जा रहा था, मैंने इसको रोका, मैंने नेजी यार ऐसा मत किया अगर, मुझे ना बुरा लगता जब मैं तुझे बोलता हूँ, पूरे घर वालों के लिए नहीं लगता मुझे, ना मैं किसी के सामने झुकता, पर मैं तुझे कह रहा हूँ भाई मत किया कर, तू अल्लाह का नेक बंदा. इसने क्या किया, वो बात जाके आगे बढ़िया तरीके से पेश कर दी कि अरमान ने मुझे सॉरी बोला. तो फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा पीछे हट गया, मैंने भाई तुझे जो करना है कर, थोड़ा बस अकल का ताला खोल ले, कहीं गलत यूज हो रहा है बस.